तो इंशाल्लाह होप सो अभी थोड़ी देर में शायद मैं वीडियो अपलोड करूँ वो कि क्या टेंशन की वजह से आपकी शुगर और ब्लड प्रेशर बढ़ते हैं, अगर बढ़ते हैं तो किस वजह से बढ़ते हैं, क्या मैकेनिज्म होता है। अब आप तो डॉक्टर हो, आपको तो पता है कि बढ़ते हैं, ठीक हो गया। तो आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी जनाब, जब बंदा स्ट्रेस में होता है, जब बंदा टेंशन में होता है, तो क्या होता है, आपकी बॉडी से आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। जब आपकी बॉडी से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो इसके नतीजे में क्या होता है, इसके नतीजे में जनाब आपकी बॉडी में एड्रेनालिन, नॉरएड्रेनालिन, इनका ये क्या होता है, एक तरह का इनकी बॉडी में क्या होगा, एक तरह का इनका लेवल बढ़ जाएगा। जब एड्रेनालिन नॉरएड्रेनालिन का लेवल बढ़ेगा तो इसके नतीजे में क्या होगा, आपकी बॉडी के अंदर कॉन्ट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो ये आपने कहना है, एंग्जायटी और एक्सरसाइज के दौरान यही होता है। तो ये जनाब तीनों, आफ्टरलोड का पूछा गया कि आफ्टरलोड का क्या सीन होता है। आफ्टरलोड का बच्चों ये होता है कि अगर ये आपका ये हार्ट है, हार्ट से जनाब अगर आप ये देखते हो कि ये जनाब आपकी वेसल्स हैं, ये आर्टरी है, आर्टरी अगर कॉन्स्ट्रिक्ट होगी, अगर आर्टरी आगे से तंग होगी तो क्या आपके वेंट्रिकल से फ्लूड बाहर निकलेगा? शाबाश, ये बताइएगा जी, क्या आपके वेंट्रिकल से फ्लूड बाहर निकलेगा अगर आर्टरी तंग होगी? नहीं निकलेगा उतना जितना निकलना चाहिए। तो आप लोग क्या कहोगे कि हाँ जी जनाब, इस कंडीशन में क्या होगा कि आपका स्ट्रोक वॉल्यूम कम है। लेकिन अगर हम यहाँ पे कोई मेडिसिन यूज करें जो कि आर्टरी को डायलेट करती हो, कोई ऐसी मेडिसिन का नाम बताओ जो कि आर्टरी को डायलेट करती हो। शाबाश, कौन सी मेडिसिन है जो आर्टरी को डायलेट करती हो? नाइट्रिक ऑक्साइड आर्टरी को डायलेट नहीं करती। अकील जफर है, एक अकील जफर नाम दा मुंडा मेरा रूममेट होंदा सी, उनका किर्गिज दा पेपर फेल हो गया, वो रोन लग पिया। शाबाश तो कीर शिराज सोहा, दिल खुश कर दिता पुत्र आज तू, ठीक हो गया। हाइड्रेलाजीन होती है। अच्छा चलो, अकील की, अकील से मैं बात आपको सुनाता हूँ जनाब। एक अकील जफर का नाम का बंदा हमारे साथ रहता होता था। अब वो मेरा जूनियर होता था और होता भी रूममेट था, मतलब रूममेट ही रखा हुआ था, बहुत भाइयों वाला सीन उसके साथ था। अब उस बेचारे का किर्गिज का पेपर फेल हो गया, पेपर दे के आया, कमरे में रोए जा रहा, रोए जा रहा, रोए जा रहा। मैं क्यों है तेनू? कहता भाई पेपर फेल हो गया। मैं केड़ा? कहता किर्गिज का। मैं क्या, माशाल्लाह तेरा पेपर फेल होगा, तू जनाब रो रहे हैं? अब मैंने उसी दौरान ना अपने एक दोस्त को कॉल मिला दी। मैंने कहा कि यार ये मेरा रूममेट ही है, मतलब कि अकील है, बात कर रहा है, इसका किर्गिज का एक पेपर फेल हो गया और ये रोई जा रहा है। वो जो बंदा था ना, जो मेरा रूममेट था, मेरा जो दोस्त था, वो अपने उसके जनाब पहली दफा जब पेपर हुए थे, पहली दफा वो अपियर ही नहीं हुआ था, सब में फेल था। वो कहता भाई मैं किसी चीज अपीयर ही नहीं होया, मैं सारे जो फेल है, मैं वेला किन का हंसता पे, मैं देना ही दूसरी दफा है, तू हमें रोई आंदा है। तो अब तुम्हारा नाम देख के मुझे वो बात याद आ गई, अकील जफर वाली। अब बाद में उसको ये होता था, वो भी बेचारा बाद में जानबूझ के, जैसा होता है ना कि पेपर दोबारा देता हूँ ये वो, उस तो बाद में टेंशन ही नहीं सी होती। कहता जी भावे एक दो बारी और भी फेल हो जाए तो कोई मसला नहीं है। फिर शुक्र है डिग्री ले आया, अब अल्लाह ताला आगे कामयाब करे, कैनल ही निकल जाए। वो भी ऐसे ही होता था, कहता था जब भी भाई पढ़ना शुरू करना है तो 10 मिनट की तो पढ़ा। मैं उन्हें कहता यार पढ़ लो, लेकिन क्या है, 2 दिन पढ़ना, उसके बाद फिर कोई ना कोई हिसाब लगा देना। अच्छा जी, लेकिन रेगुलर ना पढ़ना। तो आप लोगों में मैं एक बात हमेशा याद रखाऊंगा आप लोगों का, मतलब एक लड़का था वो भी रो पड़ा शूट के में फेल होने के बाद। बाद में सबसे ज्यादा जो है ना, अभी वो रो रहा है ना, बाद में उसी ने इसी अपनी इस आदत पे हंसना कि यार मैं पता नहीं क्यों रोया था। और एक बात मैं अक्सर आप लोगों को कहता होता हूँ, हार्ड वर्किंग, कंसिस्टेंसी, ये सबसे ज्यादा मैटर करती होती है आपकी। हार्ड वर्किंग और कंसिस्टेंसी, जो बंदे में कंसिस्टेंसी नहीं है ना, वो कभी भी अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। हार्ड वर्किंग नहीं है ना तो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। आप लोग अगर हार्ड वर्किंग नहीं है, आप में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप कभी भी एक टॉपिक या आप पूरी बुक को खत्म नहीं कर सकोगे। आप 2 दिन दिल लगा के पढ़ोगे, उसके बाद जनाब गए तो फिर आप लोगों ने क्या कहना है, आप लोगों ने हर सेशन के बाद मैसेज किया करना है, सर जी की तो पर क्लासा शुरू हो रही है ना, मैं कहना इन्ने बजे, तुसी कहना सर जी मैं आ रहा हूँ, मैं कहना ओके जी आ जाओ। आप लोगों ने फिर फीस देनी है, आपने कहना सर जी पैसे आ गए ना, मैंने कहा जी बिल्कुल आ गए। फिर आप लोगों ने सर जी बस जो है ना यूनिवर्सिटी के अंदर क्लासेस बहुत थी और इस वजह से जो है ना सर जी जो है ना क्लासेस नहीं ली जा रही, तो ये सारा सीन है, मैंने कहना जी बिल्कुल ठीक है। तो ये सर जी चलता रहना, यही साहब होगा।
तो ये अब क्रेडिट लगा के हंसता है। अगर क्रेडिट लगवा के हंसता तो फिर भाई मेजर इशू है उसका। ठीक है, उनको पोस्ट की तो प्यो होता, चरस्ता बिजनेस तो नहीं है, फिर हो सकता है। अच्छा जी, तो ये जनाब आपकी दो तीन चीजें हैं जो आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। और अगर फॉर एग्जाम्पल एक बंदा आपके पास आता है जिसको जनाब आपका सिस्टोलिक कंडीशन क्या होती है, सिस्टोलिक कंडीशन वो होती है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। सिस्टोलिक यानी कि अगर एक बंदा हार्ट फेलियर के अंदर है, तो हार्ट फेलियर के अंदर जो होगा अब वो क्या होगा, क्या उस बंदे का एक तरह का स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा या कम होगा? हाँ जी, कम होगा। तो यही सारी बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे क्या लिखा, स्ट्रोक वॉल्यूम अफेक्टेड बाय द कॉन्ट्रैक्टिलिटी आफ्टर लोड एंड प्री लोड, ठीक हो गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, उसके बाद हाई स्ट्रोक वॉल्यूम किसमें होगा, कॉन्ट्रैक्टिलिटी किसमें ज्यादा होगी, नंबर वन। आप लोगों ने कहना कि जिसमें कॉन्ट्रैक्टिलिटी ज्यादा होगी उसमें जनाब स्ट्रोक वॉल्यूम ज्यादा होगा। उसके बाद आप लोगों ने क्या कहना, प्री लोड जिसमें ज्यादा होगी, आफ्टर लोड जिसमें कम होगा। उसके बाद देखें जनाब, अ फेलिंग हार्ट रेट हैज अ स्ट्रोक वॉल्यूम, जिसमें जनाब से स्ट्रोक वॉल्यूम डायस्टोलिक डिस्फंक्शन होता है, वो क्या होता है, मतलब हार्ट फेलियर की बात कर रहा है। आगे आ जाओ जी, हम लोगों ने पढ़ा प्री लोड, प्री लोड पढ़ा, अभी हमने प्री लोड इसको देखना है, उसके बाद आफ्टर लोड देखना है, फिर हम कॉन्ट्रैक्टिलिटी की तरफ आएंगे जो इसके साथ आता है। देखें, मैंने आप लोगों से एक बात पूछी, मैंने ये कहा था कि जस्ट इमेजिन करें कि ये जनाब आपका एक तरह का हार्ट है, हार्ट के अंदर वो फ्लूड जो आपका कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले होता है उसको हम क्या कहते होते हैं, फ्लूड विच इज प्रेजेंट बिफोर द कॉन्ट्रैक्शन क्या कहते होते हैं? आप लोगों ने क्या कहना, एक तरह का वो फ्लूड जो कि आपका एक तरह का प्री लोड या आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम कहते होते हैं, ठीक है, आपका एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम या प्री लोड कहते होते हैं, ये आपने याद कर लिया। अब देखें, आप लोगों को पता होना चाहिए कि अगर जो आपका जो प्री लोड होता है ये जनाब आपका डिपेंड किसके ऊपर करता होता है, ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा, अब आप खुद बताओ ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। आपके वेंट्रिकल के अंदर, आपके हार्ट के अंदर जो ब्लड लेके आता है वो कौन लेके आता है? हाँ जी, जल्दी करें, आपका जो हार्ट के अंदर जो ब्लड वापस लेके आता है वो कौन लेके आता है, लेके वापस कौन आता है? डायस्टोल तो वो कंडीशन है जिसके अंदर फीलिंग होती है, लेकिन लेके वापस कौन आता है? और यार लेके आपकी वेन आती है ना, वेनस आती है ना, तो आपने क्या कहना है कि वेनस जो होती है आउटपुट वो जनाब लेके आती होती है। अब जस्ट इमेजिन करें, अगर फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा गौर करना है, आप लोगों को पता है कि यहाँ पे ग्रेविटी होती है, आपकी नीचे से जो वेसल्स होती हैं वो जनाब आपका ब्लड लेके आती है। जस्ट इमेजिन करें, अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम कोई डायलेटर देते हैं, वेनो डायलेटर दे देते हैं, तो आपकी जो वेसल्स होंगी वो खुल जाएंगी, शाबाश, क्या उतना ब्लड आपका आगे जाएगा? ये बताएं, आपका जो वेसल्स होती हैं उसका अल्लाह ताला ने निजाम पता क्या रखा हुआ होता है? वेसल का निजाम ये रखा हुआ कि वेसल के अंदर वाल्व होता है, जैसे ब्लड ऊपर की तरफ जाता है तो वाल्व वैसे बंद होने लगता होता है, ठीक हो गया। लेकिन आप खुद सोचें कि अगर ये जनाब डायलेट हो जाएंगी तो क्या होगा, जो ब्लड होगा वो नीचे की तरफ ज्यादा जाएगा, तो क्या होगा, आपका जो ब्लड होगा वो हार्ट के अंदर कम आएगा, तो प्री लोड क्या होगी, आपने कहा कम होगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि हाँ जी जनाब, ऐसी कौन सी मेडिसिन दे जिसकी वजह से प्री लोड कम हो जाता है? तो आप लोगों ने क्या कहना है, आप लोगों ने वेजो डायलेटर, आप लोगों ने कहना है कि हाँ जी हम नाइट्रोग्लिसरीन, नाइट्रोग्लिसरीन की वो मेडिसिन होती है जो कि इसके अंदर यूज होती होती है। अब एक और बात है यार, आप खुद सोचो, यहाँ पे एक बड़ा पंगे वाली बात है, कई बच्चे सोचते हैं और फंस जाते हैं। देखो, मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, ये दवाई पता है कौन सी है? ये दवाई आप लोगों ने, हर बंदे ने सुनी होगी जो बंदा इधर है, आप लोगों ने ये सुनी है कोई ऐसी मेडिसिन जो कहते हैं कि हाँ जी जनाब जो हार्ट अटैक होने लगा तो जबान के थले गोली रख लेनी, डॉक्टर कहते हैं जिदो तो दर्द हो जबान के थले गोली रख लेनी। हाँ जी, सुनी हुई है ना, जो आपने सुनी होगी कि हाँ जी जनाब। अब आप ये सोचो कि बच्चों, वो कैपोटीन नहीं है, कैपोटीन भी रखवाते हैं जबान के नीचे, लेकिन आपने क्या याद करना है, वो जनाब जिसकी बात कर रहे हैं वो जनाब आपकी एनजीसीड यानी कि नाइट्रोग्लिसरीन होती है, ठीक हो गया। अब मेरी बात को गौर करना है कि एक बंदा है उसको हार्ट अटैक हो रहा है, उसको यार आप वो मेडिसिन दे रहे हो जो कि जनाब ये वेजोडाइलेटर होती है, तो वेजोडाइलेटर के अंदर तो आपके हार्ट के अंदर और ब्लड कम आता है, ब्लड और कम नहीं आता, तो इससे हार्ट जो है वो एक तरह का हार्ट अटैक वर्स नहीं होना चाहिए, आपकी हार्ट को ब्लड ही आपके हार्ट के अंदर कम आ रहा है, क्यों बच्चों? ऐसी क्या वजह होती है कि जनाब आप उसको दे देते हो? कोई ऐसा बच्चा, शाबाश शाबाश शिराज, शाबाश शाबाश तुकीर। देखो, इसके अंदर होता क्या है, डिमांड की बात नहीं है, इसके अंदर ये होता है बच्चों कि आपके हार्ट के ऊपर हमें प्रेशर कम करना है, आपके हार्ट के को हमने थोड़ा सा रिलैक्स में लेके आना है। अब देखो, जब यहाँ पे वॉल्यूम ही कम होगा तो आपके हार्ट को यहाँ से ब्लड को बाहर फेंकते हुए जो वॉल्यूम जोर लगाना पड़ेगा वो ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा, ये बताएं, वो ज्यादा लगाना पड़ेगा या कम लगाना पड़ेगा? कम लगाना पड़ेगा। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि हार्ट को थोड़ा सा रिलैक्स हो,
जब आपका हार्ट कम जोर लगाना पड़ेगा तो आपके हार्ट के मसल को जो ब्लड मिलेगा, जो उसकी डिमांड होगी वो कम होगी या ज्यादा होगी? अगर फॉर एग्जाम्पल आप बिल्कुल रेस्ट में बैठे हुए हो तो आपके हार्ट के मसल्स की जो डिमांड है वो ज्यादा है कि कम है? अगर जैसे आप बिल्कुल रिलैक्स में बैठे हो, कम ही है ना, लेकिन अगर आप भागते हो तो आपके जो हार्ट के मसल्स की डिमांड है वो क्या है? ज्यादा है। तो जब आपके, क्यों? क्योंकि वहां पे आपका हार्ट का मसल, हार्ट जो है वो बार बार काम कर रहा है। रिलैक्स क्या है? आपका हार्ट बिल्कुल सुकून में आराम आराम से लगा हुआ है, देते रहिए। तो यहाँ पे क्या है, आपके हार्ट के मसल्स को जोर कम लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से हम ये मेडिसिन देते हैं। कोई ऐसा बच्चा जिसको ना समझ आई हो, ये कई बच्चे फिर बताते नहीं है, तो मैंने कहा कि यार ये मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है? क्योंकि हमारा मेन पर्पस क्या है कि इंशाल्लाह हम लोगों ने एक एक चीज को कंसेप्ट के साथ क्लियर करना है, ठीक हो गया बच्चों? तो ये लगा गल बात चो कहीं ने तो कहना है तो डॉक्टर जबीर लख लो नहीं पढ़िया से। वेला कील ने कहा था, हाँ जी, प्री लोड अप्रोक्सीमेटेड बाई वेंट्रिकुलर एंड डायस्टोलिक वॉल्यूम, ठीक हो गया। डिपेंड्स ऑन वेनस टून सर्कुलेटिंग ब्लड वॉल्यूम, उसके ऊपर डिपेंड करता है, वेजो डायलेटर नाइट्रोग्लिसरिन लोअर द प्री लोड। अब मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है। हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने प्री लोड देख लिया, हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने स्ट्रोक वॉल्यूम देख लिया। अब यहाँ पे आगे जाकर एक चीज जिसके साथ और रिलेट करती होती है, उसको हम कहते होते हैं एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम। उसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, चलो एंड सिस्टोलिक वॉल्यूम का, तो उधर ही देख लेंगे कि वो क्या, ठीक हो गया। बल्कि अगर अभी कहते हैं तो अभी देख लेते हैं कि वो क्या होती है, कार्डिक आउटपुट में जाकर पता लगती होती है, नहीं तो चलो जब वो टॉपिक आएगा तभी देख लेंगे, ठीक हो गया। देखे बच्चों, अब हम आ गए जनाब आपका एक तरह का कहाँ पे, आपकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी के ऊपर, के कॉन्ट्रैक्टिलिटी का क्या सीन होता है। मेरी बात को थोड़ा सा गौर करना है। आपके जो कैटाकोलामिन होते हैं, जस्ट इमेजिन करो, अब अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे अगर ये बंदा कोई पूछता है, आप डॉक्टर है माशाल्लाह, आपसे कोई बंदा पूछता है और हर टीवी सीरीज के अंदर आपने देखा हुआ होता है कि वहां पे क्या कहते होते हैं कि डॉक्टर सर जो होते हैं वो ये कहते हैं कि टेंशन नहीं देनी। क्यों? टेंशन दोगे तो इनका हार्ट अटैक, पहले इन्होंने हो गया है, ब्लड प्रेशर आ गया, टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, टेंशन की वजह से ये सारा कुछ हो गया। अब हमने देखना है कि भाई टेंशन की वजह से ये होता है क्यों, ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ता है, ये सारा कुछ क्यों होता है, इसका लेना देना क्या होता है। बुनियादी तौर के ऊपर जब आप बंदा टेंशन लेता है तो उस वक्त क्या होता है, आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपका एक्टिव होता है। जब आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो उस वक्त आप लोगों ने कहना होता है कि आपके कैटाकोलामिन जो होते हैं उनकी सिक्रीशन जो होती है वो बहुत पीक के ऊपर होती है। समझ आ गई बच्चों? तो आप लोगों ने क्या कहा कि जो आपका एक तरह का, आपका जो एक तरह का कैटाकोलामिन होती है उसकी जो स्टिमुलेशन होती है वो बहुत पीक के ऊपर होती है। कैटाकोलामिन के अंदर कौन सी चीजें आती हैं? शाबाश, जब हम